हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है एटलांटा यूनाइटेड वर्सेस इंटर मियामी के बीच 4:40 पे। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, तो बात करें इस मैच की। तो मेरे भाई, इंटर मियामी का इनके साथ 26 अक्टूबर को मैच हुआ था, आज से एक हफ्ता पहले। और जो उस मैच में हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। मियामी ने किए थे 2 गोल और एटलांटा ने किए थे 1 गोल, तो 2-1 के स्कोर से मियामी टीम जीत गई थी। लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि उस मैच में मेस्सी का गोल नहीं था, उसमें एक असिस्ट थी। अगर मेस्सी अपनी फॉर्म में आ जाता तो कम से कम 2-3 गोल और लीड हो जाते, क्योंकि मेस्सी की फॉर्म आने से और खिलाड़ी भी बड़े ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और उस मैच में इंटर मियामी की ढंग की मिडफील्डिंग नहीं थी। इंटर मियामी के स्ट्राइकर अच्छे थे, इंटर मियामी की डिफेंडिंग अच्छी थी, बट मिडफील्डर्स बहुत बेकार खेले थे उस मैच में। तो आज देखते हैं कहाँ इन्होंने चेंजेस किए होंगे। तो आगे चलते हैं, तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में लियोनल मेस्सी। और मतलब मैं जब मेस्सी एंड जब रोनाल्डो का मैच कवर करता हूँ ना, तो मेरे को मतलब मीन्स अलग ही फील आता है। अलग मतलब मेस्सी जैसे खिलाड़ी कम बनते हैं। बिना गोल करे यार 88 पॉइंट्स कौन देता है यार, बिना गोल करे 88 पॉइंट यार। सिर्फ एक असिस्ट की थी जिसमें 3 टैकल किए थे मेस्सी ने, जिसमें 5 बार चांस क्रिएट किया था अपनी टीम के लिए और 5 बार शॉट ऑन टारगेट, जिसमें एक भी गोल कंसीड नहीं हुआ। एक गोल भी कंसीड हो जाता ना तो मेरे भाई पॉइंट ना 120-130 के ऊपर होते, मैं मान गया भाई। उसके बाद सॉरस की बात करें, सॉरस का आया था गोल करने के बाद भी मेस्सी से कम पॉइंट्स, ये है मेस्सी भाई, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें तो लॉब को मैंने लिया था। मैंने आपको पहले भी कहा था, कितना मर्जी घूम लो लोग, भले ही आपके ऑपोजिशन में जमल को लाएँ, लेकिन जो काम लॉब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता इनकी टीम में। मिडफील्डिंग की अगर बात करें तो अलेक्सी मेरेनचुक के साथ मैं प्रीवियस मैच में भी गया था और आज भी जाऊंगा, और बीस लिस को भी मैं आज दूंगा, क्योंकि स्कैंडे सिल्वा का मेरे को आज रोल इतना खास दिखने में नहीं आ रहा। तो और एक ही प्लेयर मैंने यहाँ से लेना है, लोग सर्जियो बास्केट समझ रहे होंगे, बट यू आर रॉन्ग, मैं सर्जियो बास्केट्स के साथ नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ डी गोमेज़ के साथ। अगर गोमेज़ नहीं खेला तो बी क्रेमेस्टी को लूँगा, लेकिन मैं बेस्कुट्स को नहीं लूँगा। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, कहीं यहाँ बाद में बोलो तूने ले लिया, नहीं मैं नहीं ले रहा। और डिफेंडिंग की बात करें तो जोडी आल्बा, ठीक है, जोडी आल्बा ने भी प्रीवियस मैच में 98 पॉइंट दिए थे, जिसमें कि 26 अक्टूबर को इस प्लेयर का गोल था और 2 शॉट ऑन टारगेट और थे। उसके बाद एवाइल्स, ठीक है, टी एवाइल्स के बाद विगेंटी करके प्लेयर है, मार्शेलो विगेंटी अगर अच्छा करे, मैं तो कहता हूँ उस मैच में क्लीन शीट नहीं लगी तभी पॉइंट कम थे, क्लीन शीट लगती तो आप तो फिर पॉइंट गिन गिन के थक जाते, इतने ज़्यादा पॉइंट थे इनके। एंड फ्रियर की बात करें, उस मैच में फ्रियर इंजर्ड था, और नेगरी की बात करें, नेगरी भी इंजर्ड था, ठीक है। एंड नेगरी के बाद एस क्रिस्टोफ करके प्लेयर है, ये भी परमानेंट इंजर्ड नहीं है, ये टेम्परेरी है, इसकी कभी भी वापसी हो सकती है। और एलन की बात करूँ तो एलन को इन्होंने एज अ सब्स्टिट्यूट भेजा था, तो देखा जाए तो इनका कोई भी मेन डिफेंडर नहीं था, जिसमें से सिर्फ डेविड खेला था। डेविड को मैंने लिया भी था बट दुर्भाग्यवश नहीं लगी क्लीन शीट, बट इस बंदे का गोल आता आता रह गया, इसका गोल होने लगा था मैंने देखा था बट रह गया यार, बट कोई बात नहीं मैं आज भी लूँगा। एंड गोलकीपिंग की बात करें तो गुजान है, बी गुजान इज़ अ गुड प्लेयर एंड बी गुजान कैन डू वेल। एंड बात करें कैप्टन की, कप्तान है मेरा मेस्सी, मेरा वाइस कैप्टन है सॉरस, और इससे बेहतर मेरे को नहीं लगता कि कोई और कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मैं मेस्सी और सॉरस को कैप्टन वाइस कैप्टन से हटाऊँ, हर बंदा चाहेगा इन्हीं को रखूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।